नमस्कार। विद्यार्थी जीवन में मेरे आचार्य रहे आदरणीय अशोक कुमार पांडे साहब, और पत्रकारीय जीवन में हमारे तात श्री शिव कुमार विवेक जी, माहेश्वरी जी और इस सभागृह में उपस्थित मेरे सभी मित्रों। इस कार्यक्रम के लिए जब मुझे लोकेंद्र का फ़ोन आया तो मैंने उनसे क्षमा इस बात के लिए मांगी कि मैं पिछले 25-30 सालों से एक ऐसे काम में लगा हुआ था, वो इस तरह का कुछ काम था जैसे मैंने अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में, मैं खुद हूँ, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ हूँ और मैं खुद की सर्जरी कर रहा हूँ। तो मैं एक बहुत ही अंदर से बहुत ज़ख्मी घायल अवस्था में मैं हूँ इस समय, क्योंकि उस विषय से मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ। मैंने भारत में इस्लाम के फैलाव की कथाओं में जाने के लिए जो समकालीन विवरण अलग अलग भाषाओं में हमें मिलते हैं पिछले 800 सालों के, उनको मैं पिछले 25 से 30 साल का मेरा उसमें अध्ययन था, और जो उसमें से मैं निकाल पाया हूँ वो एक कॉपी मेरी इसी साल तैयार हुई है और वो छपकर आने वाली है। मैं बहुत सामान्य नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देखकर इतिहास में आया हूं जिनके विवरण हमारी नींद उड़ाने वाले हैं। इसलिए मैंने क्षमा मांगी, फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं आता हूं, लेकिन आपके विषय को मैं अपने विषय में लेके आऊँगा। स्वत्व की जो अनुभूति है, अमृत महोत्सव का प्रसंग है भारत की आज़ादी का, नवरात्रि का आज पहला दिन है, मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। और पहला फ्रेम 24 जून 1564 की एक घटना से मैं इस विषय में आना चाहूँगा। भारत के इतिहास की एक अद्भुत किरदार के जीवन का अंतिम दृश्य है इस दिन, 24 जून 1564 अकबर का समय है ये, और ये घटना मध्य प्रदेश की है। जबलपुर के पास नर्मदा के पहाड़ी जंगलों के इलाकों में एक रानी, एक बहुत ही अपने से 5 गुना ज़्यादा ताकतवर फौज से टकराई है, और उसका नाम है दुर्गावती। हम जानते हैं वो दुर्गाष्टमी का उनका जन्म है, इसलिए उनको दुर्गावती का नाम मिला। और वो जो अंतिम दृश्य मेरे मन में ठहरा हुआ है, उसमें वो लगभग हार गई हैं, एक हारा हुआ युद्ध है। 10,000 की फौज के साथ में आसफ खान नाम का एक अकबर का लुटेरा हमलावर कड़ा से यहाँ आया था। रानी के पास में 2,000 लोग थे, जो कम होते होते 500-100 बचे होंगे, और कड़ी टक्कर देने के बाद भी वो ये लड़ाई लगभग हार चुकी हैं, और वो अंतिम दृश्य है उस तारीख का। वो अपने मंत्री आधार सिंह, रमेश जी बैठे हैं अभी, शायद एक आर्टिकल मैंने आपका अभी पढ़ा, आधार सिंह नाम का, कहीं गलत हूँ तो आप सुधारिएगा, आधार सिंह नाम का मंत्री, और वो रानी वहीं हैं, और वो कहती है रानी, और ये विवरण किसी यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, ये अबुल फजल की डायरी में है। अबुल फजल ने अकबर की महिमा में बड़े बड़े दो वॉल्यूम में उनका अकबर आईन अकबरी, अकबरनामा, दो बड़ी किताबें हैं, और बहुत विस्तार से उन्होंने अकबर का महिमा मंडन उसमें है, जाहिर है उनके नमक हलाल लेखक थे वो। लेकिन उसमें जो दूसरे पात्र आए हैं उस पूरी कथा में अकबर कालीन, तो रानी दुर्गावती पर उसने बहुत सम्मान से, बहुत विस्तार से उसने जगह दी है अपनी डायरी में। तो वो वहाँ मौजूद हैं और वो हार चुकी हैं लगभग, तो वो आधार सिंह से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शिक्षा में बड़ा परिश्रम किया है इस दिन के लिए, कि कभी ज़रूरत होगी तो तुम्हारी सेवाएँ मेरे काम आएंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा यश और मेरा नाम कभी कलंकित ना हो इतिहास में, मैं सरेंडर कर नहीं सकती हूँ, तो ये खंजर मुझे उतार दो और मेरे प्राण इस समय चले जाएं, तो मैं एक सुरक्षित मौत में चली जाऊँगी। तो वो आधार सिंह ये कहता है कि जिन हाथों से मैंने बख्शीशें ली हैं, मैं उन हाथों से ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास एक तेज़ रफ्तार हाथी है जो युद्ध भूमि से आपको बाहर ले जाएगा। तो वो कहती हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, बस इतनी ये उनका आखिरी संवाद है, और वो खंजर को खींचती हैं और अपने आत्महत्या करती हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब ये जो फ्रेम है, आधार सिंह के साथ उनके 2-3 संवाद हैं, ये अबुल फजल ने लिखे हैं।
इस फ्रेम में मेरे सामने वो स्थिर हैं, रानी और उनका मंत्री और उनका ये संवाद और ये पूरी घटना। हिंदी के साहित्यकारों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो 200 पेज में उस रानी के भीतर इस समय क्या घटा, उसके मन में कौन से भाव स्थिर थे कि जिसने ये निर्णय लिया, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक है। इसके अगले 2 महीनों तक जो उस इलाके में मार काट और लूट मार हुई है, और आसफ खां की फौजें जब चौरागढ़ पहुंची हैं उनकी राजधानी में, तो वीर शाह नाम का उनका एक 18 वर्षीय लड़का था रानी का, रानी की उम्र 40 वर्ष थी जब ये घटना हुई है। तो वीर शाह निकल के आता है अपने, वो घायल अवस्था में युद्ध भूमि से चौरागढ़ पहुंचा था, और जब ये घेराव वापस 2 महीने बाद उसको होता है युद्ध के लिए, वो निकल के आता है और 2 लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दे के आता है कि तुम जौहर का अनुष्ठान पूरा करना, क्योंकि इसमें हमारी पराजय तय है। तो 2 अपने विश्वस्त सहयोगियों को जौहर के लिए, तो अबुल फजल जौहर की परिभाषा लिखता है कि जौहर क्या होता है। तो वो लिखता है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो हिंदू राज परिवार अपने यहाँ से सारे लकड़ी, रुई, घी, ये सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनकी घर की स्त्रियाँ जो है वो आत्मदाह करती हैं, इसे वो जौहर कहते हैं। तो ऐसा करने की जिम्मेदारी 2 बहुत वरिष्ठ अपने निकट सहयोगियों को देकर वीर शाह 18 साल का युद्ध भूमि में मारा जाता है। जब उस महल के जौहर स्थल के दरवाजे खोले जाते हैं इस घटना के 4 दिन बाद, तो आसफ खां की फौजों को लकड़ियों के एक ढेर के पीछे से 2 लड़कियां बरामद होती हैं। उसमें से एक का नाम है कमलावती, जो दुर्गावती की बहन है, और दूसरी जो है वो पुरगढ़ा के राजा की बेटी थी जिसके साथ वीर शाह का विवाह होने की महलों में तैयारियां थीं। अब आप कल्पना करिए, ये 30,000 गांव की एक गौंड रियासत थी, 450 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का फेरा, इतनी बड़ी ये यहाँ रायसेन से उधर पन्ना और जबलपुर की पूरी टेरिटरी को कवर करने वाली, और 2 महीने में उसका सर्वस्व नाश हुआ। उसके महलों में अपने बेटे की शादी की तैयारियां थीं। आसफ खां के हाथ में 2,000 हाथी लगते हैं और दुनिया भर की लूट का सामान, उस पूरे महल की एक एक चीज नहीं छोड़ी गई, वो सोने चांदी के बर्तन तक ढोकर ले गए वहां से। अकबर के पास इस लूट की गिफ्ट का माल, जिसे माले गनीमत कहते हैं उनकी शब्दावली में, लूट का माल हलाल है ये, तो वो दोनों कन्याएं जो हैं वो अकबर के हरम में भेज दी जाती हैं, क्योंकि आसफ खां से बेहतर अकबर को कोई नहीं जानता था कि वो कितना लंपट है। तो दोनों लड़कियां भेजी और सिर्फ 200 हाथी भेजे, और एक भी सोने का कोई कण भी नहीं भेजा उसको, अकबर को खुश करने के लिए, और अकबर खुश हो गए। मेरे दिमाग में ये फ्रेम ठहरा हुआ है कि जब वो आधार सिंह के साथ अपने जीवन का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं, तब उसके भीतर क्या घट रहा है, कौन से भाव उसके मन में स्थिर हैं जिसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली निर्णय ले पाई। वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना सकती थी, कोई डिप्लोमेटिक डिस्कशन शुरू कर सकती थी, नेगोशिएशन शुरू कर सकती थी अकबर के साथ में, लेकिन वो ये जानती थी कि इन बेगैरत हमलावरों का तो क्या कॉमन है, क्या मिनिमम है, और क्या इनके प्रोग्राम हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। और ये एक अध्याय यहाँ समाप्त हुआ 1564 में। इतिहास में जब आप जाएंगे तो ऐसी बहुत सी घटनाओं से आप रूबरू होंगे। एक 8 जुलाई 1320 दिल्ली की रात, 8 जुलाई 1320 दिल्ली की रात का एक घटनाक्रम है जिसमें एक हिंदू जाति ने अपना पूरा खुद को दांव पे लगाया, और वो अगले दिनों में वहाँ वो पूरी एक ही दिन के कत्लेआम में उस जाति विशेष के 10,000 लोग मारे गए। ये जो 8 जुलाई का दिन है, 1320 का सन है, ये खिलजी वंश की अंतिम रात है जिस दिन पूरे खिलजियों के जो बचे खुचे लोग थे वो सारे मारे गए इस एक रात में। मारने वाला कौन था? तो मारने वाला एक हसन नाम का धर्मांतरित गुजराती हिंदू था जो पिछले कुछ सालों में वहाँ उसका धर्मांतरण हुआ होगा, और उसकी उपाधि थी खुसरो खां। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगले 4 साल जिसने राज किया है वो उसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नाम का एक बेटा था, 18-20 साल की उम्र का। खुसरो खां इसका राइट हैंड था और ये गुजरात मूल के थे।
अब इनके जो लाइव विवरण लिखे हैं, अखबार की भाषा में कहें तो लाइव रिपोर्टिंग जो आज होती है, ग्राउंड से कोई रिपोर्ट करता है, वैसी ग्राउंड रिपोर्ट अमीर खुसरो ने की है, जियाउद्दीन बरनी ने की है, एसामी नाम के एक लेखक ने की है, और इब्न बतूता जो थोड़ा बाद में आया है उसने भी ये सारे ब्यौरे अपनी डायरी में अपने सोर्सेज के हवाले से लिखे हैं। चार चार लेखकों के हवाले हैं इस पर्टिकुलर एक घटना में। खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को इस 8 जुलाई की रात उस महल में मारा और खिजलजियों के एक एक व्यक्ति को ढूंढ के मारा, और अगले दिन उसने अपनी ताजपोशी की है। अब ये सारे चारों लेखक अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि जिस दिन खुसरो खां जो हसन है और उसने ताजपोशी उसकी हुई है तो मस्जिदों में दिए जल रहे हैं और ताकों पर मूर्तियां लगा दी गई हैं और इस्लाम का सूरज बुझ गया है, ऐसे विवरण लिखे हैं उन्होंने कि अगले ही दिन से गो हत्या पर बंदिश लगा दी गई है। तो इब्न बतूता ये बताता है कि यहाँ के लोग गाय को कितना पूजनीय मानते हैं, उसका एक एक अंश कितना पवित्र मानते हैं, और अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसको गाय की खाल में ही सिल के मारते हैं। ये वो लिख रहे हैं कि हमारी जो आस्थाएं हैं वो किस स्तर की हैं, कैसी हैं, हमारे व्यवहार किस तरह के हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की इस घटना के बाद में वहाँ जब आप उनके और लोगों के बीच में जाएंगे तो उसका एक मामा आइडेंटिफाई होता है कहीं भीड़ में, जो धर्मांतरित नहीं हुआ है, और उसका नाम है रंधौल, रंधौल नाम का इसका मामा, और ऐसे उसके तमाम समर्थक जिसमें कुछ हिंदू भी हैं लेकिन कुछ मुसलमान भी बन गए हैं, ये वहाँ आपको उस पूरी भगदड़ में और दिल्ली की उस अफरा तफरी में आपको दिखाई पड़ते हैं। गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति जो खुलजियों का नौकर था, और ये आता है दीपालपुर नाम की एक जगह से जो लाहौर और मुल्तान के बीच में एक छोटी सी रियासत थी, और फिर एक आमने सामने की लड़ाई में इसको खुसरो खां ये मारा जाता है, जो धर्मांतरित गुजराती हिंदू है। सारे लोग लिखते हैं कि ये गुजरात के परवार हैं, ब्रादो हैं, बराव हैं, ये इनकी जाति का इस्तेमाल किया है कि ये योद्धा जाति के लोग हैं, ये गुजरात के हैं, ये पराव, कोई लिखता है परवार, कोई लिखता है ब्रादो, अमीर खुसरो ने ब्रादो लिखा है, जियाउद्दीन बरनी उसको बरवार लिख रहा है, बरवार बच्चा, और इसने ऐसा किया। और पूरे दिल्ली में जो ये तुर्क जितने काबिज हो चुके थे उनके मातम पसरा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने गौ हत्या पे रोक लगा दी है, जिसने मस्जिदों में पूजन शुरू करा दी है और इस्लामी परंपराओं को रोक दिया है, तो वो अपना सूरज डूबता हुआ देख रहे हैं। 2.5 महीने बाद जब ये गाजी मलिक आता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का बाप है, ये आता है और इसकी आमने सामने की लड़ाई में ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के हत्यारे खुसरो खां को भी मारता है, और अगले दिन इनकी पूरी जाति की दिल्ली में ये जहाँ जहाँ ये पराव परवार जितने भी लोग बसे हुए हैं जिन जिन मोहल्लों में, उन सब का कत्लेआम किया जाए। 10,000 लोग शाम तक, सुबह से शाम के कत्लेआम में पूरी जाति समाप्त होती है वहाँ पर, दिल्ली के रहने वाले। अब आप जब इस पूरे घटनाक्रम में जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये खुसरो खां, जिसको हसन कहा गया है, जिसका मूल नाम पता नहीं है, जिसका एक हिंदू मामा आइडेंटिफाई हो रहा है डॉक्यूमेंट पर, इसने ऐसा क्यों किया, अपने आप को दांव पर क्यों लगाया जब इसको लंबे समय शासन करने की क्षमता इसकी नहीं थी। तो आप स्पष्ट पाएंगे ये सारे विवरण पढ़ते हुए कि वो किसी प्रतिशोध की भावना से वो वहाँ अपने अवसर की प्रतीक्षा में रहा, और जब उसको ये अवसर मिला तो उसने खिलजियों का नाश किया। अब वो ऐसा क्या हो सकता है कि वो गुजरात से यहाँ आया होगा, फिर वो इनके निकट पहुँचा होगा, फिर उसने इनको प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म भी परिवर्तन कर लिया होगा, और जिस दिन उसने लगा कि आज फैसले की रात होनी चाहिए, आज हम इतने ताकतवर हैं कि हम अपना निर्णय कर सकते हैं, तो ये जो पिछले 25-30 साल, ये 1320 की घटना है, लेकिन आप 1296 से 1320 के बीच का घटनाक्रम आप खिलजियों का पढ़ेंगे तो गुजरात की जो तबाही हुई है और उसके जो बिल्कुल ही एक अलग लंबी कहानी के विवरण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन तबाहियों में इस हसन नाम के धर्मांतरित हिंदू गुजराती के कोई पूर्वज, कोई परिवारजन, कोई रियासत, कोई ना कोई घटनाक्रम इसके साथ जरूर घटा होगा, और वो सौगंध खा के निकला होगा दिल्ली में कि इनको तो हम ही निपटाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने वो 8 जुलाई 1320 को पूरा ऑपरेशन किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास की एक अद्वितीय घटना है, कि एक व्यक्ति जानते बूझते अपने आप को, अपने पूरे समाज को, अपने समुदाय को दाव पे लगा रहा है और 2.5 महीने बाद वो सारे काट डाले गए। तो उसके अंदर ऐसा क्या घट रहा था, मैं फिर ये मेरे दिमाग में अटकती है बात कि
वो धर्म छोड़ दिया है, उसके परिवार के कुछ लोग हिंदू ही हैं, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की वो भावना क्या रही होगी और उसके अंदर ये क्या रहा होगा कि हमारा मरना तय है, हम बिल्कुल भूखे भेड़ियों के बीच में हम ये ऑपरेशन खत्म करेंगे, हम बचेंगे नहीं बाद में। तो उसके भीतर क्या भाव ठहरे होंगे कि ऐसा मुझे करना चाहिए, भले ही मेरी जाति दाव पे लग जाए, लेकिन एक उत्तर तो देना चाहिए। अब एक 1676 का एक फ्रेम है और वो 19 जून की तारीख है और रायगढ़ की लोकेशन है महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज के सामने एक आदमी आके खड़ा होता है, एक पठान जैसा, सब पूरे बिना मूछों की दाढ़ी और बिल्कुल उसके पगड़ी और उस तरह से आके खड़ा होता है कि महाराज जी से मिलना है। और शिवाजी महाराज जब निकल के आते हैं तो वो उनके सामने साष्टांग दंडवत होता है और रोने लगता है, और वो कहता है कि महाराज मुझे आपने पहचाना क्या? 9 साल बाद शिवाजी महाराज ने उसको पहचाना और उसको अपने गले से लगाया। उसका नाम था मोहम्मद कुली खान। मोहम्मद कुली खान ये व्यक्ति 9 साल पहले दक्षिण से औरंगजेब के आदेश से इसको अरेस्ट करवाया गया था, इसको दिल्ली लाया गया था। आपने जिन्होंने भी शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी है तो उन्होंने नेतोजी पालकर का एक नाम आता है, स्वराज के कमांडर इन चीफ, जिनको स्वराज का एरावत कहा गया। ऐसे महान योद्धा, उनको औरंगजेब के आदेश से जब शिवाजी महाराज आगरे से भागते हैं और सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो औरंगजेब ये आदेश करता है कि नेतोजी पालकर को अरेस्ट करके दिल्ली भेजो। तो उनको धोखे से मुगल उनको अरेस्ट करते हैं और वो दिल्ली लाए जाते हैं। दिल्ली लाने का उनका जो है वो दिसंबर के महीने में दिल्ली आते हैं और उनको जंजीरों में जकड़कर भयानक यातनाओं के साथ, जैसी संभाजी को दी गई यातनाएं, इस तरह की यातनाओं के साथ सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा उसको सौंपा जाता है, इस्लाम कबूल करो। और वो अड़े रहते हैं कि सवाल ही नहीं है, क्यों करें कबूल। फिर पता नहीं उनको क्या होता है और वो मार्च में जाकर वो कहते हैं ठीक है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब की उपस्थिति में उस नेतोजी पालकर का इस्लाम कबूल करते हैं वो। फिर उनकी 2 पत्नियों को महाराष्ट्र से लाया जाता है औरंगजेब। देखिए वो किस हद तक अपमानित करने की अंतिम सीमा तक जाएंगे। तो उनकी 2 पत्नियों को दिल्ली लाया जाता है और उन दोनों पत्नियों से इस्लामिक विधि विधान से उनका वापस विवाह की रस्म का नाटक किया जाता है दिल्ली में। नेतोजी पालकर जो अब मोहम्मद कुली खान के नए नाम के साथ सामने हैं औरंगजेब के, उनकी 2 हिंदू पत्नियों को जो इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं होती हैं, उनको इस्लाम कबूल कराने के लिए और इस्लामिक पद्धति से उनके निकाह में आने के लिए फिर से ये ड्रामा रचा जाता है दिल्ली में। और औरंगजेब वहीं 5,000 रुपये के तोहफे उनको देता है खुश होकर ये दिखाने के लिए। इसके बाद उनको काबुल, कंधार और खैबर पास के एक लड़ाई में झोंक दिया नेतोजी पालकर को, जियो तो अपनी बला से और मरो तो अपनी बला से। 9 वर्ष तक ये योद्धा पूरे मुस्लिम रूप में, मोहम्मद कुली खान के रूप में, काबुल कंधार के खतरनाक पहाड़ी इलाकों में औरंगजेब के लिए, मुगलों के लिए लड़ता रहा। और 9 साल बाद जब उनको अगला आदेश होता है कि अब आपको दक्खन कूच करना है, जब 9 साल में उनकी प्रतिबद्धता इस्लाम के प्रति, मुगलों के प्रति सिद्ध हो गई औरंगजेब की दृष्टि में, तो उनको अगला असाइनमेंट मिलता है कि आप दक्षिण की तरफ अब कूच करेंगे। नेतोजी पालकर तो उनके घोड़ों ने पहली बार फिर महाराष्ट्र की तरफ रुख किया और जैसे ही वो सुरक्षित दूरी से निकल कर आए और सीधे रायगढ़ पहुँचे, वो 19 जून 1676 का दिन था। शिवाजी महाराज उनका शुद्धि अनुष्ठान करते हैं किले में, उनकी घर वापसी होती है और वापस नेतोजी पालकर का उनको नाम उनको वापस मिलता है। अद्भुतीय घटना है। अब मेरे दिमाग में वो नेतोजी पालकर जो मोहम्मद कुली खान बन चुके हैं और वो 9 वर्ष मेरे दिमाग में ठहरे हुए हैं कि वो 9 साल तक उन्होंने उनके अंदर वो क्या ऐसा दिया जलता रहा कि बस एक अवसर की तलाश थी उनको और जैसे ही वो अवसर आया, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, वो काबुल कंधार में मारे जा सकते थे, 1,000 लोग हमारे मारे गए हैं, बीरबल की मौत वहीं हुई है अकबर के समय, वहीं बीरबल मारे गए हैं कहीं किसी लड़ाई में ही, वो भी मारे जाते, पता ही नहीं चलता मोहम्मद कुली खान की कब्र कहाँ मज़ार में तब्दील हो गई आज अफगानिस्तान के किस शहर में, किस कस्बे में। लेकिन जैसे ही 9 साल बाद उनको ये अवसर आया और वो सीधे शिवाजी महाराज के पास पहुँचे, तो इनमें ऐसा क्या घटा, इनके अंदर ऐसा क्या चल रहा था
कौन सा भाव था जो ये 9 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, जो जरूरी नहीं कि वो अवसर आता भी उनके जीवन काल में कभी। ये सारी बड़ी लंबी यात्रा है भारत के इतिहास की। 1951 में 18 अप्रैल आंध्र प्रदेश का एक पोचमपल्ली नाम का गांव है, 51 आज़ादी के 4 साल बाद, वहाँ उस समय आप सब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको स्मरण में होगा कि भूमिहीनों के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ था और कम्युनिस्टों ने बहुत आग लगाई हुई थी कि भूमि मिलना चाहिए जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, क्योंकि आज़ाद हुआ था भारत, ये सारी नवाबों और राजाओं की ही एक छत्र ज़मीनें होती थी, लोगों के पास में कुछ होता नहीं था, अपना घर बनाने के लिए भी जगह नहीं थी। तो विनोबा जी वहाँ मौजूद थे, विनोबा भावे, और वहाँ आंदोलन हिंसक रूप ले चुका था। पोचमपल्ली नाम के गांव में लोग अपने लिए ज़मीन मांग रहे थे कि हमको घर बनाने के लिए भूमि का एक टुकड़ा दो, ज़मीन चाहिए हमको। विनोबा जी ने वहाँ कहा कि इस गांव में जितने लोग इस आंदोलन में शामिल हैं उनको कितनी ज़मीन चाहिए, क्या कुछ बताइए मुझे कि यहाँ कितनी ज़मीन आवश्यक होगी कि आप यहाँ इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो उन्होंने कुछ हिसाब करके बताया कि सब, विनोबा जी ने वहाँ आह्वान किया कि कोई है यहाँ जो ये इन लोगों की 68 एकड़ की मांग पूरी कर दे और ये आंदोलन शांत हो। रामचंद्र रेड्डी नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने 101 एकड़ ज़मीन वहीं उसने दान की अपनी, उसने घोषित किया वहाँ से, और यहाँ से वह भूदान आंदोलन का शुभारंभ हुआ। और विनोबा जी ने कहा कि अब मेरा पूरा जीवन इसी के लिए है और मैं भूमिहीनों के लिए लड़ूंगा। अगले 14 सालों तक विनोबा भावे ने 85,000 किलोमीटर की यात्राएं की और गांव-गांव में जाके उन्होंने ज़मीनें मांगी। 45 लाख एकड़ ज़मीन 1965 में जब ये आंदोलन उन्होंने पूर्णाहुति की तब विनोबा जी के पास थी। वो देश के सबसे बड़े ज़मींदार बने, जो 2,30,000 किसानों ने डोनेट की थी, उसमें कई गांवों ने तो अपनी 100% ज़मीन दान कर दी थी। झांसी के पास मनरोट नाम का गांव पहला ऐसा गांव था जिसके निवासियों ने कहा कि हमारी पूरी ज़मीन आप ले लो, जिसको चाहो दे दो, ये आपके अनुष्ठान में हमारी आहुति है। बिहार के तो 2/3 गांव ही डोनेट हो गए पूरे के पूरे। कई ऐसे लोग थे 40 के करीब जिन्होंने, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन दे के वो खुद याचना लेके खड़े हो गए विनोबा जी के सामने कि थोड़ी सी अब आप चाहें तो हमें लौटा सकते हैं, हमने अपनी पूरी भूमि आपको दान कर दी। 45 लाख एकड़ ज़मीनें भूदान आंदोलन में 14 सालों के दरमियान दान की गई। उसके बाद जो विवाद हुए हैं और उन पर जो कब्ज़े हुए हैं वो एक अलग तरह के चरित्र का हमारा उद्घाटन है भारतीयों के। लेकिन सवाल ये है कि जो रामचंद्र रेड्डी नाम का व्यक्ति वहाँ था उसके मन में ऐसा क्या आया होगा, जेब से आज कुछ भी निकालना किसी के आसान नहीं है। समाज में उस समय जब भारत इतनी दरिद्रता में गुलामी के बाद निकला हुआ, आज़ादी के 4 साल बाद जब ये सारे झगड़े फसाद बंटवारे रक्त रंजित पूरा ये सब चल रहा था भारत में, तब वो 2,23,000 2 लाख लगभग लोग वो कौन थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें पूरी दे दी दान। और विनोबा जी के सामने खड़े होकर उनके अंदर ऐसा क्या घट रहा था, ऐसा उनके भीतर क्या बीज पड़ा हुआ था कि वो ये निर्णय ले सके कि इस समय अगर देश की आवश्यकता ये है तो हमें ये करना चाहिए। अब जब आप इस कसौटी पर पूरे 90 साल का भारत का स्वाधीनता संग्राम देखेंगे तो आपको विवेकानंद से अरविंदो तक और मंगल पांडे से लेके मदन मोहन मालवीय तक ऐसे तमाम लोग नज़र आएंगे जिन्होंने अपना बहुत बड़े अवसर छोड़कर वो इसमें कूदे, उन्होंने गोलियां खाई, वो मरे और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, उन्होंने अपने अपने आँखों के सामने वो आज़ादी का कुछ देख भी नहीं पाए। कई ऐसे हैं हजारों लाखों जिनको हम नाम भी नहीं जानते। मैंने जिस दिन ये डाक टिकट जारी हुआ और हमने मामा जी का जो शताब्दी प्रसंग का अंतिम एक पूर्णाहुति प्रसंग था मिंटो हॉल में और उन पर एक डाक टिकट जारी हुआ था, मैंने उनके दर्शन किए हैं, मैं उनसे जब मैं इंदौर में था तो मामा जी के, मेरा ध्यान इस बात पे गया कि उनका जन्म 1919 का है, मामा जी का आज़ादी के समय 26-27 साल की उनकी अवस्था रही होगी। तो उस समय तो अगर उनकी समाज के लिए कुछ करने की पवित्र भावना ही थी तो वो तो नेहरू और गांधी के चरचराटे का समय था, उनको तो उनके पास जाना चाहिए था और आज़ादी के आंदोलन में लगना चाहिए था, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए था मामा जी को। तो वो
क्या सोचकर एक ऐसे विचार की तरफ गए जहां उन्हें कुछ नहीं मिलना था, जहां रास्ता ही रास्ता था, कोई मंजिल नहीं थी। और आज़ादी के बाद तो वो रास्ता और ज़्यादा कठिन था। उनको ज़माने भर की तोहमतें, तमाम तरह के उलाहने, बंदिशें और ये सब झेलनी थी। तो वो उनके भीतर, मामा जी के भीतर ऐसा क्या था कि वो उस समय, जबकि ये सब हमारे सुपरहिट सितारे थे आज़ादी के आंदोलन के, गांधी और नेहरू, तो ये उनके पास नहीं गए? अगर उनके पास जाते तो क्या होता? तो कैबिनेट में, नेहरू की पहली कैबिनेट में वो आगरे से, आगरे जिले के बटेश्वर में वो जन्मे थे, तो आगरे से वो चुनकर जाते और अपनी शेरवानी में लाल पीला गुलाब खोंस के वो भी शपथ लेते। दिल्ली में पंडित नेहरू के कैबिनेट में एक युवा और प्रतिभाशाली ब्राह्मण चेहरा होता वो, और उनके बच्चे उनके उत्तराधिकारी होते जो इंदिरा जी के पीछे होते, और उनकी तीसरी जनरेशन जो है वो राजीव गांधी के पीछे होती, और चौथी जनरेशन जनपथ के 10 नंबरियों के आगे पीछे घूम रही होती आज। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो आगरे में उनकी एक सालाना जलसे में कुछ पहचान बनी होती, प्रयागराज और वाराणसी में भी कोई ना जानता। 100 साल बाद भी अगर पूरे देश ने उनको पूरे साल याद किया, तो वो ऐसी क्या बात उनके भीतर थी कि वो उधर नहीं गए और एक बिल्कुल एक कठिन मार्ग पर एक बिल्कुल अजीब से दिशा पकड़ ली उन्होंने, डॉक्टर हेडगेवार की छाया में गए वो, तो वो उनके भीतर क्या था? तो जब ये विषय आया तो मुझे लगा कि वो स्वत्व ही है जो इन सारे पात्रों के अंदर कहीं था, चाहे वो दुर्गावती हों जो अपने समय का इतना कठिन निर्णय कर पाई, चाहे वो नेतोजी पालकर हों जो 9 साल बाद उस बीज को वृक्ष बनाकर वापस शिवाजी के सामने पहुंचे और उनके शरणागत हुए और अपनी मूल पहचान में लौटकर वापस आए, वो जिसने अपनी पूरी जाति दांव पे लगा दी थी, हसन जो खुसरो खां के नाम से सिर्फ 2.5 महीने दिल्ली में बैठा और समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने दस्तावेजों में ये लिखा कि इस्लाम का सूरज भारत में अस्त हो गया है, हिंदुस्तान में ये आके बैठ गया है, तो ये हो रहा है। और वो ये जानता था कि मैं टिकने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके भीतर ऐसा क्या था? तो मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब मुझे, ये जब विषय आया तो मुझे मिला कि इन सारे पात्रों में, ये जो इतिहास के हमारे बिल्कुल अनजाने किरदार हैं, बहुत हम जिन्हें विस्तार से नहीं जानते हैं, जिनके बारे में, इनके भीतर अगर कोई एक भाव था तो वो वही भाव था जो आज का ये विषय है। और अमृत महोत्सव की वेला में ही नहीं, हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज़ादी की जब 100 साल पूरे हो रहे होंगे तो उस जश्न में भी शामिल होंगे, 75 साल तो अब का प्रसंग अभी है, तो वो 100 वर्ष का जब प्रसंग आज़ादी का भारत में आए 2047 में, तो उस समय का भारत कैसा होना चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्नों पर हमें आज बहुत विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इस 1800 सालों के भारत के इतिहास के जो नृशंस विवरण हैं, मैं बहुत दायित्व से ये कह सकता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसका दुर्भाग्य ने पीछा अब तक नहीं छोड़ा है। दुर्भाग्य ने उसका पीछा 1947 की 15 अगस्त की सुबह, अगर हम इस भ्रम में हैं कि हमारे सारे दुर्भाग्य के बादल छट गए हैं, तो हम भ्रम में हैं और वो भ्रम हमारे दूर होने चाहिए। आज हम 75 साल के प्रसंग में हैं और देश की जो स्थितियां हैं, चारों तरफ से देश की जो स्थितियां हैं, हम अंदर से बाहर से जिस तरह के एक घुने हुए, बिल्कुल घुन हमारे भीतर लगा हुआ, दीमक की तरह एक ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हैं, हमारी निश्चिंत नहीं होना हमें होना चाहिए। और हमें निश्चित रूप से 75 का प्रसंग है तो हमें 100 वर्ष के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, जो 25 साल की आयु में देश की 100 साल की आज़ादी के प्रसंग में शामिल होंगे, तो उन्हें कैसा देश हमें बना के देना है, हमें कौन सी चीज़ों के उपचार करने हैं। हम बहुत मल्टी ऑर्गन फेलुअर की स्थिति में हैं हम आज। मैं बहुत निराशाजनक है ये कथन करना, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि हम बहुत मल्टी ऑर्गन फेलुअर की हालत में भारत को मैं देखता हूँ जब मैं पिछले ये सारी स्थितियों से गुजरता हूँ। तो इस स्वत्व को जागृत रखें और हमें निश्चित रूप से बैठकर एकाध सत्र इस पे करें कि 100 साल जब आज़ादी के हों 2047 में, तब हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं, वो 10 हमारी प्राथमिकताएं क्या हों और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको हम समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, क्योंकि ये सब सामयिक है। ये जो भी परिस्थितियां अनुकूल हमें दिखाई पड़ रही हैं, ये बहुत लंबी नहीं टिकती हैं, ये पता नहीं कौन सी क्या चीज़ क्या उलट फेर कर देती है। तो हमारा एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण, साल नहीं,
एक एक क्षण कीमती है, हमारा खाली नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उपदेशों में नहीं जाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इसका हमें कुछ रोड मैप, कुछ मास्टर प्लान बनाना चाहिए। ये 75 साल का कोई हमारे लिए एक निष्पत्ति होगी। धन्यवाद।